देखा वो एक झोला लेके हर बार आता है जहाँ पे इतने सारे तोहफा रहता है और सब लोगों को देता है तोहफा। लेकिन वो आता कहाँ से है और जाता कहाँ है ये कुछ भी मुझे नहीं पता। ओह गॉड, ओह नो। पहले तो ये है कि उसे सांता क्लॉस नहीं कहते हैं, उसे सांता क्लॉस कहते हैं। और वो जंगल में बैल नहीं कहता है, जिंगल बेल कहता है। तो चलो मैं आज तुम्हें सांता क्लॉस का कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, एशियन माइनर जिसको अब हम टर्की नाम से जानते हैं, वहां के एक गांव में सर निकोलस नाम का एक आदमी रहता था। उसका फैमिली बहुत रिच था। फिर एक दिन उसके मम्मी पापा जब गुजर गए तब सारा पैसा उसको दे दिया गया। सर निकोलस ने उन पैसों से गरीबों का मदद किया। एक गरीब आदमी था, उसके तीन बेटियां थे। वो उन तीन बेटियां का शादी करवाना चाहता था लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो उनका शादी नहीं दे पा रहा था। मैं तब की बात बोल रहा हूँ जब डाउरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा था। मुझे पता है कि यह बहुत गलत है लेकिन फिर भी एक दिन वो सेंट निकोलस को पता चल गया कि एक गरीब आदमी उसके तीन बेटियों का शादी करवाना चाहता था लेकिन वो करवा नहीं पा रहा था। फिर सेंट निकोलस ने बहुत सोचा कि उन लोगों का कैसे मदद किया जाए। फिर एक दिन सेंट निकोलस रात को रेड कलर का कोट पहन के उस गरीब आदमी के छत के ऊपर गोल्ड कॉइन का पोट ली चिमनी में डाल दिया। नेक्स्ट डे उस गरीब आदमी के बड़ी बेटी को उस गोल्ड कॉइन का पोटली मिला और उसी पैसों से उसकी शादी हो गई। फिर दूसरी दिन में सेंट निकोलस फिर से गोल्ड कॉइन का पोटली दिया और उसके दूसरी बेटी का भी शादी हो गया। फिर जब तीसरी दिन में सेंट निकोलस गोल्ड कॉइन का पोटली डालने ही वाले थे तब उस गरीब आदमी ने उसको देख लिया। फिर सेंट निकोलस ने बोला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नाम सबके आगे आए, इसलिए तुम ये किसी को मत बताना कि मैं ही गोल्ड कॉइन का पोटली दे रहा हूँ। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। सबको पता चल गया कि सेंट निकोलस गरीबों का मदद करता था। और फिर सेंट निकोलस सांता क्लॉस नाम से जाना गया। और यही थी सांता क्लॉस की कहानी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बोलो बोलो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सब में सांता क्लॉस है। यदि तुम किसी को हेल्प करो तो तुम भी बन सकते हो सांता क्लॉस। यह ज़रूरी नहीं है कि तुम दाढ़ी मूछे बना लो, तोन बना लो, लाल कोट पहन लो, एक लाल टोपी पहन लो, यह ज़रूरी नहीं है। हाँ, क्या बात कर रहे हो, क्या मैं भी बन सकता हूँ सांता क्लॉस? हाँ जरूर, अब वो टोपी दो और ये टोपी पहनो। ये सांता क्लॉस बन गया है। अब मेरा गिफ्ट ला। क्या गिफ्ट है, क्या गिफ्ट है? हाँ, जो घर से चुला कर लाए थे ना वो महंगा प्याज ही दे देते हैं। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे प्याज, ये तो बहुत महंगा वाला गिफ्ट है। थैंक यू, थैंक यू। मेरी क्रिसमस।
कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक भी दीजिए और शेयर भी कीजिए। हम लोगों का चैनल यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और टिंग टिंग जिंगल बेल वाला जो घंटी है उसे दबाइए। टिंग टिंग आवाज नहीं उठेगा लेकिन टिंग टिंग सिंबल आएगा। और आप लोगों को इस क्राफ्ट को कैसे बनाना है ये देखना है तो हमारे चैनल इंडियन ट्विस्ट में जाइएगा और इसे देखिएगा। बाय।